हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन बेहतर है, किसके साथ ज्वाइन करें, किसको ज्वाइन ना करें या किसको ज्वाइन करें। आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ हर्बल लाइफ के बारे में 11 ऐसे पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूं, जिनको देखकर, जिनको समझने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि हर्बल लाइफ ज्वाइन करा जाए या ना किया जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक दरखास्त है, ये सभी 11 के 11 पॉइंट्स जब आप देखें, सुने, तो सारे चीजों को एक साइड रख दें और ज्वाइन करने के बारे में या ये सारी चीजों को अलग हटा दें और जब वीडियो को देखें तो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं उनको सुने, उनको समझें कि क्या मैं सही कह रहा हूं। और अगर सही नहीं कह रहा हूं तो कमेंट करके बताएं कि सर आप गलत कह रहे हैं, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं एंड बता सकते हैं कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि जिससे मैं सही कह रहा हूं। सो रीजन ये है कमेंट करने का कि आपकी एक कमेंट से काफी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी काफी मदद हो, काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी मदद हो जाए, उनको लुकने से हम बचा, काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो हर्बल लाइफ ज्वाइन करने वाले थे तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें ये मिल जाएगा कि क्यों हर्बल लाइफ ना किया जाए। या फिर काफी सारे ऐसे लोग थे जो सोच रहे थे कि आप क्या करें, ज्वाइन करें ना करें, तो उनको ये रीजंस मिल जाएंगे कि क्यों हर्बल लाइफ करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। आप अपना ओपिनियन मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, हर्बल लाइफ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, हर्बल लाइफ आपके फ्यूचर के लिए सेफ है या नहीं। सो फ्रेंड्स, चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले एक एग्जांपल से हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं कि लेट सपोज कि मैं किसी के पास बात करने गया कि सर क्या आप वेट लूज करना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल, है ना, इसे ज्यादा पर्सनल ना लीजिएगा ना ही मेरे मेथड पर जाइएगा। मुद्दा यह है कि अगर मैं किसी के पास आज के टाइम में वेट लूज के लिए बात करने जाता हूँ या फिटनेस के रिगार्डिंग बात करने जाता हूँ किसी भी इंडिविजुअल से, तो उसका सबसे पहला सवाल ये होता है कि हर्बल लाइफ तो नहीं है। जी हाँ, अब रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, या तो वो पहले से हर्बल लाइफ कर चुका है, या फिर उसको रिजल्ट नहीं मिला, या फिर उसकी इनकम इतनी नहीं थी, या उसका बजट इतना ओवर हो रहा था कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी लिस्ट का सबसे पहला रीजन यही है कि आज हर्बल लाइफ बहुत कॉमन हो चुका है। आज के टाइम में लोगों को चाहिए कि कुछ डिफरेंट उन्हें मिले, कुछ सस्ता उन्हें मिले, क्योंकि लोगों का बजट काफी ज्यादा एग्जिट करता है, काफी ज्यादा ओवर कर जाता है। सो यह हमारी लिस्ट का सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है Amazon, Flipkart जैसी ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स। कंपनी को 40 साल हो चुके हैं अराउंड वर्क करते हुए, एंड Amazon, Flipkart जैसी कंपनीज पे, एक ऐसी इंटरनेशनल कंपनी जिसका 96 प्लस कंट्रीज में वर्क है, और वो Amazon, Flipkart इस तरह की कंपनीज से, इस तरह की ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट्स नहीं हटवा पा रही है। तो इसमें क्या हम समझ सकते हैं कि कंपनी की कमी है या कुछ और झोल झाल है? उस टॉपिक में मैं बात नहीं करूंगा, उसको हम अगली वीडियो में या किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन हमारी लिस्ट का सेकंड पॉइंट यही था कि ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स आज के टाइम में, उन पर प्रोडक्ट्स बहुत इजीली मिल जाता है। कस्टमर हमारे पास आता है, हम उसको बताते हैं कि आपको हमारे पर ये पड़ेगा, 25 पे ये पड़ेगा अगर डिस्काउंटेड है, अदरवाइज मोस्टली आप प्रेफर करते हैं अगर रूल्स के साथ काम करें कि 25 पर मिलता है। लेकिन हमसे पहले ऑनलाइन अगर वो देखता है गूगल, तो क्या आज के टाइम में हर कोई स्मार्ट है, वो गूगल करेगा, अरे अमेजोन पर तो सर इतने का मिल रहा है, आप हमसे इतना ले रहे हैं, मैं वहीं से लूंगा। क्यों? डाइट प्लान्स तो हर जगह मिल जाते हैं, एक्सरसाइज प्लान्स भी हर जगह मिल जाते हैं, रही बात प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट भी ऑनलाइन मिल रहा है। तो आज बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है कि एक कंज्यूमर से टैकल करना कि यार वहां से ना लो, हमसे लो, हम आपको गाइड करेंगे। ये भी एक काफी रीजन था, और काफी सारे लोग मेरी इस चीज से सहमत होंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत है कमेंट जरूर करिएगा। थर्ड पॉइंट, इस लिस्ट का थर्ड पॉइंट है, जब इसके हम आगे बढ़ते हैं, हमने उसे टैकल कर लिया, चलो यार अमेजोन से उसे नहीं भी ले पाया, बंदा हमारे पास आ गया, अब हमारी टीम के लोग, अरे किससे ले रहे हो, प्रशांत से, कितने पे, एमआरपी पे,
25% का डिस्काउंट दूंगा, मुझसे ले लो। अच्छा विशाल के पास जा रहे हो, कितना दे रहा है? 25। अरे मेरे से ले लो, मैं तुम्हें 35 दूंगा। मतलब आपके टीम के लोग ही, आपके अप्लायंस ही, आपके साइड लाइन ही आपको काटने पे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि भैया इसका रीजन है हमारा अगला पॉइंट, क्योंकि चौथा पॉइंट जैसे कि मैं बता दूं, हैवी रीपर्चेजिंग। जी हाँ, एक आदमी को इनकम लेने के लिए, अपने सुपरवाइजर से इनकम लेने के लिए काफी ज्यादा रीपर्चेज करना पड़ता है। मिनिमम 500 वॉल्यूम पॉइंट से लेकर 2500 वॉल्यूम पॉइंट को मिनिमम करने होते हैं, जो कि काफी बड़ा इशू है। इतना प्रोडक्ट वो कहां खपाएगा? तो फिर वो इस तरह की चीजें करना शुरू कर देता है। अब हर कोई तो चरणजीत सर और मिस्टर शर्मा जी नहीं हो सकते, अजय शर्मा तो हो नहीं सकते हर कोई, तो क्या करा जाए? वो लोग क्या करें जिनका पास इस तरह के रिसोर्सेज नहीं है, उनके सेंटर्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्या करें? लेकिन उन्हें अपने सुपरवाइजर से, अपनी टीम से इनकम लेने के लिए वॉल्यूम पॉइंट्स तो करने ही होंगे ना भाई। तो ये 14 पॉइंट्स था कि आपको हर्बल लाइफ में काफी ज्यादा हैवी रिपर्चेसिंग करनी होती है। अब इस लिस्ट में पांचवें नंबर पे आता है सुपरवाइजर की इनकम। मतलब यहां पे आपका फ्यूचर बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरी बात माने, मैं 3 साल इसमें हर्बल लाइफ में खपा चुका, और मैं खपाना ही कहूंगा, वो बात अलग है, मेरी को फिटनेस मिली, मेरी बहुत सारी लाइफ चेंज हुई। लेकिन अगर एज अ प्रोस्पेक्ट, मैं अगर इनकम के प्रोस्पेक्ट में देखूं, इनकम के तौर पर देखूं, तो मैंने अपनी 3 साल गड्ढे में डाल दी। मेरे को आज मैं वहां खड़ा हूं जहां मैं 3 साल पहले खड़ा था, 0 पर। रीजन भी बहुत सारे हैं, इस अगली वीडियो में कवर करूंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा क्या मेरे साथ लास्ट 7 डेज में ऐसा क्या हुआ है जिससे कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं वहीं आगे खड़ा हो गया हूं जहां से शुरू किया था। सो, अगर आप मेरी मानेंगे तो हर लाइफ में आपका फ्यूचर बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। अगर आप डिसीजन ले रहे हैं अभी ज्वाइन करने का, तो बिल्कुल ना करें। रीजन मैं आपको बता दूं, एक माँ बाप अपने बच्चे पे पैसा इसलिए खर्च करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, काबिल बनाते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसी तरीके से एक आदमी किसी भी पर्सन को बिजनेस में इसलिए लेकर आता है कि उसे लगता है कि हाँ, जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, जब मैं इनकम नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी टीम, मेरी लाए हुए बंदे मेरे लिए एक एसेट्स का काम करेंगे, मेरे को इनकम इन लोगों से आएगी। लेकिन हर्बल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हर्बल लाइफ में वर्क कर रहे हैं, तो आपने रेगुलरली खुद भी बिजनेस देना होगा कंपनी को, तभी कंपनी आपको इनकम देगी, वो भी बहुत छोटा सा परसेंटेज। मेरी बात फैक्ट काफी सारे लोगों को बुरी लग रही होगी, गलत लग रही होगी, लेकिन जो लोग मेरी बात से सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 6th पॉइंट है हर्बल लाइफ में रिक्वालिफिकेशन। जी हाँ, मोस्टली स्पॉन्सर्स, मोस्टली हर्बल लाइफ एसोसिएट्स अपने नए कंज्यूमर्स को, अपने नए एसोसिएट्स को ये बताते ही नहीं है रिक्वालिफिकेशन के बारे में, कि उनको रिक्वालिफाई भी करना होगा। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है, आपने ग्रेजुएट पास कर लिया, आपने बीए कर लिया, बीएड कर लिया, बीटेक कर लिया, जो भी आपने करा है, जो भी एजुकेशन आप कर चुके हो, वो आपने कर तो ली, आप पास हो गए, अच्छे नंबर से पास हो गए, लेकिन गवर्नमेंट कहती है अगर आपने 12th पास कहलाना है, तो आपको हर साल 12th पास दोबारा करनी होगी, हर साल एग्जाम देने होंगे। तो क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। ऑफ कोर्स कहेंगे यार इतनी मेहनत करी तो उसको बार बार करने के लिए थोड़ी करा। लेकिन हर्बल लाइफ कहती है अगर आपने सुपरवाइजर बन गए और सुपरवाइजर बने रहना है, तो आपको हर साल क्वालिफाई करना है। अगर आप वर्ल्ड टीम बन गए हो, तो आपको हर साल वर्ल्ड टीम क्वालिफाई करना है, मतलब दोबारा से वर्ल्ड टीम बनना है। तो आदमी अपने स्टेटस को बचाने में ही लगा रहता है, आगे क्या बढ़ेगा। मोस्टली 90% पीपल ऐसे हैं जो हर्बल लाइफ में आते हैं, वर्क करते हैं, और स्टार्टिंग की ईयर्स में अचीव करा हुआ अपना स्टेटस ही मेंटेन करने की कोशिश में उनका मोस्टली टाइम निकल जाता है, वो अपने आगे वाले स्टेटस पे फोकस ही नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई कि बहुत मुट्ठी भर ही टॉप लीडर्स हैं जो कि गेट टीम और इसके ऊपर पहुंच पाए। सो मेन मेरा कंसर्न ये है, मेरा 6th कंसर्न ये ही है कि हर्बल लाइफ के अंदर रिक्वालिफिकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा रीजन है कि लोग हर्बल लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते, और वो भी छोटे नहीं है, काफी टफ पड़ता है ऐसे में जब आदमी के पास कंज्यूमर ना हो। मैं बात करूँ पैंडेमिक में, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रिक्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, और उनको मे बी इसके बारे में पता भी नहीं हो। नेक्स्ट इस लाइन में आगे बढ़ते हैं, हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नंबर पे आता है स्पॉन्सर्स की ग्रीड, भूख, हंगर। आदमी की हंगर एक अच्छी वे में हो, गुड वे में हो, तो अच्छी बात है।
आदमी को आगे लेके जाते हैं, लेकिन आदमी की लालच इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो अपनी ही टीम के लोगों को काटना शुरू कर दे। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया है कि मेरे स्पॉन्सर ने ही मेरे साथ चीट किया, मेरे अप्लायंस ने ही मेरे साथ धोखा किया, मेरे कंज्यूमर्स को खाया। जी हाँ, काफी सारे हर्बल लाइफ के एसोसिएट्स स्पॉन्सर्स ऐसे हैं, इवन गेटिंग मेंबर्स भी ऐसे हैं। बुरा लगेगा, काफी सारे इनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, और हो सकता है कुछ लोग मेरे को नोटिस या कुछ इस तरह की मेल वगैरह भी भेजे, तो ये काफी मेरे साथ अभी पिछले एक सप्ताह में काफी बवंडर हुआ है। मैं अगली वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे एसोसिएट्स, ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जो अपनी ही डाउनलाइन को काटने में लग जाते हैं, अपनी ही डाउनलाइन की लीड्स को खाने में लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आदमी की ग्रोथ ना होने के कारण। मैं काफी सारे लोगों को लेकर आया था, मेरे को आप एक्चुअली याद भी नहीं कि मैं ऑलमोस्ट कितने लोगों लेकर आया। मेरे फाइल के अंदर आपको कुछ भी नहीं, कुछ भी अराउंड 300 to 400 पीपल्स की मतलब रिपोर्ट मिलेंगी, मतलब मरे से मरा मैं ज्यादा भी 150 से 200 लोग को लेकर ही आया था, और जो कि बहुत छोटी अमाउंट नहीं है, लेकिन तब भी मैं सुपरवाइजर के आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि मेरी टीम जो एसोसिएट बन रहे थे, जो टिक रहे थे, मेरे अप्लाइंस उनको छोड़ ही नहीं रहे, मेरे लायक बचे ही नहीं रहे थे वो लोग। तो ये भी एक काफी बड़ा रीजन है कि मोस्टली लोग हर्बल लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप हर्बल लाइफ करें इन प्रोस्पेक्ट ऑफ इनकम। देन इस लिस्ट में नेक्स्ट नंबर पे आती है, हमारे आठवें नंबर पे आती है कि हर्बल लाइफ जो है बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है। आज के टाइम में ऑलमोस्ट मैक्सिमम सेंटर्स पे आदमी का 200 रुपीज पर डे का सेक है, और 200 रुपए पर डे का मतलब 6000 रुपए महीने। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, नहीं सर हमसे तो 3000 रुपए लिए जा रहे हैं। ब्रदर, आप ये देख नहीं पा रहे हो कि उस 3000 में आपको क्या दिया जा रहा है, क्योंकि आप देख तो नहीं रहे कि आपके सेक में कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट पड़ रहा है। जी हाँ, जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो तो आपको मिल ही नहीं रही है। ठीक, प्रोडक्ट कम हो गया है, आपका प्राइस उतने का उतना ही। अगर आप प्राइस काउंट करें तो पर डे जो आपको मिलना चाहिए उसके हिसाब से आपके मंथली मिनिमम 6000 आपसे चार्ज किए जा रहे हैं, तो जो कि आज के टाइम में एक एसोसिएट के लिए काफी टफ पड़ रहा है। एंड अभी एक चीज ट्रेंड में चल रही है, ऑनलाइन क्लब्स, ऑनलाइन सेशंस, उसके लिए भी वो लोग चार्ज कर रहे हैं। मतलब कुछ हो ना हो बस दिए जाओ, देते रहो। मतलब स्पॉन्सर्स की ग्रीड का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, स्पॉन्सर्स की हंगर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इवेंट्स हो रहे हैं, आपने 40 टिकट्स परचेज करनी ही करनी है। काफी सारे लोग हैं, ऑनलाइन सेशंस में भी कमेंट लोगों ने करा है कि आप सर मेरे पास इतने लोग नहीं है कि मैं उनको इवेंट में लेके आ पाऊँ, लेकिन मेरे स्पॉन्सर कहते हैं आपको जब तक आने को नहीं मिलेगा जब तक आप 40 टिकट परचेज नहीं करोगे, इतने टिकट परचेज। अरे भैया नहीं है यार मेरे पास लोगों को लाने के लिए, ना ही मैं लोगों को ला पा रहा हूँ, तो क्या मतलब मैं सीख नहीं सकता, मैं ट्रेनिंग्स में नहीं आ सकता, मेरी आईडी नहीं बन सकती है। काफी सारी चीजें झूठ बोली जाती हैं, काफी सारी चीजें छुपाई जाती हैं, और अपने पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले टाइम में कहा जाता था कि आदमी वही सक्सेस होता है जिसके पास ईमानदारी हो, जो ईमानदारी से काम करता है, लेकिन आज के टाइम में हर्बल लाइफ का रिकॉर्ड कुछ ऐसा है, हर्बल लाइफ में वही सक्सेस हो रहा है, वही सक्सेस हो सकता है जो दूसरे का अच्छे से काटता हो, दूसरे का अच्छे से पागल बनाता हो। सो हमारी लिस्ट में नेक्स्ट पॉइंट पे आता है नंबर 10, हर्बल लाइफ फोकस करता है ओनली ऑन रिटेल। उसमें मैटर नहीं है कि एसोसिएट की इनकम हो रही है नहीं हो रही है, एसोसिएट फायदे में जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन बस रिटेल करो, रिपर्चेस करो, करते जाओ करते जाओ। सर मेरा काम ही चल रहा। कोई नहीं, आप अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई करो, आप इतने महीने, इस महीने आपको इतना पर्चे। अरे भाई मेरे पास जरूरत नहीं है, मेरे पास कंज्यूमर नहीं है, मैं क्यों सुपरवाइजर में बनूं, क्यों प्रोडक्ट परचेज करूं, क्यों अपने पास स्टॉक डालूं। इवन कंपनी, अगर मैं कंपनी की बात करूं ना, तो हर्बल लाइफ कंपनी में कहा जाता है कि आप सिर्फ उतना ही परचेज करो जितना आपकी जरूरत है, लेकिन स्पॉन्सर्स अप्लाइंस, अरे करते रहो, अपने पास स्टॉक रख लो, कहीं जा थोड़ी रहा है, पैसा तो तुम्हारे पास है। कोई नहीं हिसाब लगा रहा कि भाई जो मैं पैसा ला रहा हूं उसके बदले में जितना मेरे को मिल रहा है उतनी मेरी इनकम हो भी रही है नहीं हो रही है। तो मोस्टली पीपल्स इस कारण भी, अभी मेरे पास कल ही मेरे को एक पर्सन की कॉल आई और उसने मेरे को बताया उसका 60,000 रुपीज का सामान उसके स्पॉन्सर ने यूज किया और अपने पास से सामान दिया, वो कंपनी को भी रिटर्न नहीं कर सकता उस प्रोडक्ट का, क्योंकि वो उसका प्रोडक्ट है ही नहीं, किसी और का है कि स्पॉन्सर का, पता नहीं कहाँ कहाँ का सामान मिक्स करके उसको दे दिया। अब वो पर्सन क्या करे, या तो उसे
50% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे निकाले, या फिर अपने स्पॉन्सर से कहे कि यार करवाओ इसे। मतलब कुल मिलाकर बंदे को फंसा दो जिससे वो टिका रहे, गलत काम करने पे मजबूर हो जाए। सो सैड। 11th, हमारे लिस्ट में 11th नंबर पे आता है हर्बललाइफ में एसोसिएट्स का न्यू कंज्यूमर्स के लिए सपोर्ट सिस्टम। कहने को बहुत मजबूत सपोर्ट सिस्टम है। आप अगर कंज्यूमर हर्बललाइफ में वर्किंग पीपल की बात सुने तो उनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि मैं वर्क कर चुका हूँ, काफी ज्यादा सपोर्टिव है कंपनी। लेकिन प्रॉब्लम्स जब शुरू होती हैं, जब आप उनसे सपोर्ट लेना शुरू करते हैं, सम ऐसे पॉइंट्स पर, ऐसे जहां पे उन्हीं के खिलाफ कुछ हो रहा हो। जी हाँ, कैसे? अभी मैंने जैसे आपको केस बताया कि उसने प्रोडक्ट, मैं उसको भी छोड़ा, अगर मैं अपनी ही बात करूँ, मैंने कंपनी को फोन किया, सर मेरे साथ चीज हुआ है, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे साथ ऐसा ऐसा करा है, मैं बताइए मैं क्या करूँ। उन्होंने मांगा मुझसे प्रूफ कि आप हमें प्रूफ दे, अगर आपके स्पॉन्सर ने आपके साथ चीट किया तो आप हमें इस प्रूफ दीजिए। भाई एक आम आदमी डिटेक्टिव तो है नहीं, जेम्स बॉन्ड तो वो बन नहीं रहा, या उसको पहले से तो पता नहीं था कि उसके साथ चीट हो रहा है या चीट होने वाला, जो वो हिडन कैमराज और इस तरह की कुछ चीज सेटअप करता और उसमें उनकी रिकॉर्डिंग करता। एक आम आदमी है यार, उस काम करने के लिए आया था, उसके स्पॉन्सर ने उसके साथ चीट कर लिया और आप उसका सबूत मांग रहे हो। मानते हैं गवर्नमेंट है, रूल्स होते हैं, हर चीज को प्रूफ करने के लिए सबूत लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी चेक करा, क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं? नहीं, आपको सबूत चाहिए क्रॉस चेक करने के लिए। अगर मैं बात करूं अपनी, और अभी जो मैं बता रहा हूं कि रिलैक्स भी जो, अगर मेरी माने या काफी सारे और भी लोग हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिया था 60,000 रुपीज का वो पर्सन सामान फंसा चुका है, वो कंपनी के पास जाके ये भी नहीं कह सकता कि मेरे स्पॉन्सर ने मेरे साथ चीट किया, मेरे को धोखा दिया है। क्यों? क्योंकि कंपनी बारकोड स्कैन करेगी, उसका प्रोडक्ट वापस नहीं ले सकती है, उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, उसका स्पॉन्सर उसको पेमेंट नहीं दे रहा, मतलब कुल मिलाकर उसका तो पैसा फंस गया। सो चीटिंग का मतलब सर ये नहीं है कि आपको मारा जाए, पीटा जाए या कुछ भी। चीटिंग काफी तरीके से की जा सकती है और कंपनी इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है, ना ही ऑनलाइन सेलिंग को लेकर, ना ही कुछ। कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारी बातें हैं, कंपनी आपको बहुत कुछ कहती है, काफी सारे लीडर्स हैं, नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि फिर वही पर्सनल पॉइंट क्लिक कर जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसी इंटरनेशनल कंपनी की, बड़ी कंपनी की सपोर्ट सिस्टम की, स्टेज पर जाकर बोलने से और वो चीज करने में बहुत फर्क होती है यार। मैं स्टेज पर जाकर बहुत मोटिवेशनल बातें कर सकता हूँ, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ, बहुत ही क्या कहते हैं इस तरीके से बात की जा सकती है कि यार एक आदमी में भी जो मरा हुआ है ना उसमें भी जान आ गई। लेकिन वो चीजें करने में, हजार में से एक आदमी, अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हो जो हजार में से एक आदमी कर रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है यार? आप बिजनेस लेकर आ रहे हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग, एक ऐसा बिजनेस जिसमें हर किसी के पास पैसा हो, इस मेथड का मानना ही है, इस मेथड को लाने का रीजन ही ये है, और आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर फोकस कर रहे हो, तो क्या फायदा है ऐसे सिस्टम का? अगर हम MLM की बात कर रहे हैं तो एक एवरी सिंगल इंडिविजुअल के पास पैसा आना चाहिए। आपकी मोटिवेशनल बातों से कुछ ही लोग, गिनती के लोग इनकम कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी की कम्युनिटी है 95-99% जो लोग हैं वो इनकम नहीं कर पा रहे, उनका क्या? लोग आप छोड़ के जा रहे हैं, आ रहे हैं, हेल्थ ले रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें। सो फ्रेंड्स, ये वो 11 पॉइंट थे जो मेरे को लगता है कि जिनके कारण आपको हर्बललाइफ नहीं करना चाहिए।